जी हाँ, मोदी का मिशन यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही सियासी फायदा और नुकसान खोजना शुरू कर दिया है। यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक की अहम भूमिका है। दलित वोट बैंक की हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है। सवाल यही है कि आखिर दलितों के सहारे बीजेपी क्या अपनी नैया पाल लगाना चाहती है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। सियासत का अखाड़ा बना यूपी, मोदी की नजरें इनायत यूपी पर। मोदी के साथ साथ मंत्रियों ने झोंकी ताकत, यूपी की नब्ज टटोलने की कोशिश। दलित वोट पर बीजेपी की नजर, मोदी का डबल अटैक। मिशन 2017 की तैयारी के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, लिहाजा अब सियासत का अखाड़ा बन गया है यूपी। यूपी में जहां मोदी जी ने केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतार दी है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद यूपी दौरा कर सियासी पारा और गर्म कर दिया है। मोदी ने वाराणसी और लखनऊ में दो कार्यक्रम लिया। कार्यक्रम तो एक बहाना था, लेकिन दलित वोटों में सेंधमारी की शुरुआत करनी थी। मोदी ने कहा कि केंद्र की सरकार दलितों और गरीबों की है। मोदी ने कहा कि चुनाव के पहले सरकार ने वादा किया था कि ये सरकार गरीबों की होगी। मोदी ने महामना के नाम पर वाराणसी टू दिल्ली के लिए एक ट्रेन की भी सौगात दी। ये जो सरकार है, ये सरकार गरीबों को समर्पित है। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, जिन्हें जीवन में कष्ट झेलने पड़ते हैं, उनके लिए ये सरकार कुछ न कुछ करने का प्रयास करेगी। ये मैंने प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने से पहले घोषित किया था। जो मेरे दिव्यांग भाई बहन यहां आए, बहुत लोग हैं जो शायद मुझे सुन पाते होंगे लेकिन देख नहीं पाते होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो मुझे शायद देख पाते होंगे लेकिन सुन नहीं पाते होंगे, उसके बावजूद भी मेरे इस मनोभाव को उन तक पहुंचाने की आज व्यवस्था तो की है, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आप किसी से कम नहीं हैं। और आप वाराणसी माया लखनऊ दिल्ली तेज गति से पहुंचना, कुछ बीच में एक पैच था जहां पर डीजल वाली व्यवस्था थी, वो भी अब तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, तो स्पीड भी बढ़ेगी, सुरक्षा तो बढ़नी पड़नी है, सुविधा भी बढ़ेगी। और आने वाले दिनों में ये मॉडल और भी जगह पर कैसे रिप्लिका किया जाए, उस दिशा में भी प्रयास होने वाला है। और महामना कहते ही सारे देश को एक गौरव गांव महसूस होता है, उनके नाम से जोड़ करके इस महामना एक्सप्रेस को प्रारंभ कर रहे हैं। लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने मोदी पहुंचे हुए थे। समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने देश को बहुत कुछ दिया, अंबेडकर ने शिक्षा का संदेश दिया। पीएम ने कहा उपेक्षा से विचलित नहीं होना चाहिए। जो इस देश के भविष्य के लिए अनिवार्य है और जिसके लिए बाबा साहब समर्पित थे, एक प्रकार से उसके लिए वो जिए थे, उसके लिए वो जूझते थे, और वो बात थी शिक्षा।
और हर किसी को यही बात बताते थे कि अगर जीवन में कठिनाइयों से मुक्ति का अगर कोई रास्ता है तो शिक्षा है। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी ने हैदराबाद में आत्महत्या किए दलित छात्र रोहित पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि रोहित के परिजनों के दर्द को समझ सकता हूं। उन्होंने कहा कि आज रोहित के परिवार पर क्या गुजर रही होगी, रोहित के दर्द को समझ सकता हूं। फिलहाल रोहित के आत्महत्या मामले के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके परिवार पर क्या बीती होगी। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। इसकी पीड़ा मैं भली भांति महसूस करता हूं। राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम रखते ही यूपी की सियासत ने नया रुख ले लिया है। मोदी की लखनऊ यात्रा दलित राजनीति को नई हवा देती है। दलितों को रिझाने के साथ साथ ही दलित वोट बैंक पर कब्जा जमाने के लिए नरेंद्र मोदी दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में चौथाई वोट बैंक दलित का है, इसलिए हर किसी दल की नजर इन दलित वोटों पर है। अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल का कहना है कि मायावती ने दलितों की अपेक्षा पूरी नहीं की और न ही उन्होंने कभी बाबा साहेब के अस्थि कलश पर पुष्पांजलि दी है। अम्बेडकर महासभा परिसर में जाने की बात हो रही, वो एक राजनीतिक विद्वेषपूर्ण भावना से वहाँ लोग जा रहे हैं और वहाँ पे केवल दलितों को बेवकूफ बनाने के लिए लोग, चाहे वो माननीय राजनाथ सिंह जी गए हो, चाहे मुलायम सिंह जी गए हो, जितने आरक्षण विरोधी लोग हैं वो वहाँ पर जाकर और वो दलितों को बेवकूफ बना रहे। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश सरकार ने दलितों को रिझाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक के लिए जमीन देने का ऐलान कर कहीं न कहीं बसपा सुप्रीमो के दलित वोट बैंक में सेंध लगाई है। संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो सम्मान के लिए जो जमीनों का जमीन दे करके और उस पर उनके स्मारक बनाने की जो घोषणा किया है, ये एक सराहनीय कदम है। और ये समाजवादी पार्टी का जो समाजवाद का जो परिभाषा है उसको परिभाषित करता है। दलितों को रिझाने की कवायद को लेकर कांग्रेस ने सपा और भाजपा दोनों को ही सिक्के के दो पहलू बताया है। कांग्रेस का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, कांग्रेस ने हमेशा विकास की राजनीति की है। कांग्रेस ने आज तक कभी भी अपहरण की कोई राजनीति नहीं की, चित्रों का अपहरण नहीं किया, सिद्धांतों की राजनीति को प्रतिपादित किया है। दलितों के लिए जितना कांग्रेस ने किया उतना तो किसी ने ही नहीं किया। और उसका एक स्पष्ट उदाहरण है कि 1975 में अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने भी दलितों को ग्राम समाज की भूमि के पट्टे काटने के बाद उन पट्टों पर अधिकार भी दिलाया तो कांग्रेस पार्टी ने दिलाया है। वर्तमान सारी पार्टियां बता दें कि उन्होंने दलितों के लिए क्या किया है। यूपी में दलितों का मसीहा कौन है, इस पर बहस छिड़ गई है। हर सियासी दल की नजर अब दलितों पर है, लेकिन सवाल ये है कि दलितों का मसीहा कौन है। लखनऊ से के न्यूज के लिए मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।